बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। कृष्ण कन्हैयालाल की जय। तीनों बड़े धाम की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभरण मंगल करण श्री प्राणनाथ निजमलपति श्री मेहराज सुबनाम तीज कुमारी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यार की जय। सूरत गोपीपुरा श्री कृष्ण प्रणामी नवरंग स्वामी जी महाराज ने पावन गादी मंदिर अब पवित्र भूमि थी, पवित्र मंदिर स्थान थी, तीर्थ भूमि थी। अपने जागो भव दुख तड़े यही तो ब्रह्मवाणी तारकम सागर श्रीमुखवाणी कुलजम स्वरूप साहेब धामदणी वाणी तेमाथी चौपाईना माध्यम थी अपना समक्ष चर्चा संभावी रिया छे। यूट्यूब ना माध्यम थी आप सांभळी रह्या छे। सौने प्रणाम प्रणाम। गुरु प्रसादे अंतर देख्या, देख दिखाई बाहर भीतर ना भीतर बाहर बिना ही। गुरु प्रसादे अंतर देख्या सो सो बाबा नी ना जाए। गुरु प्रसादे अंतर देख्या, गुरु जी ने कृपा थी असदगुरु धाम नरी सदगुरु महाराज देवचंद्र जी महाराज थके तारतम वाणी तारतम मंत्र मळ्यो अने एमांथी 18758 आ तारतम वाणी तारतम सागर सागर स्वरूपे आ वाणी अवतरी। वाणी श्रीमद वाणी छे, धाम धणी जी वाणी छे। तो तमाम जीवों ने अखंड करवा वाली आ वाणी अपना समक्ष मुकी छे। घेर बैठा अपन लाभ लई सकाय तो गुरुजी ना आ आशीर्वाद थी, तेमनी कृपा थी, तेमनी मेर थी अपने अंतर अंतर आत्मानी ए ओळख थाय छे, पहचान थाय छे। इमने पासे थी वाणी सांभळीने सत्संग सांभळीने आपणो चित ए आसारी थी आगळ आत्मा परमात्मा तरफ लक्ष्य दोरावे छे। सुरता आवेली छे, ए सुरता क्यांथी आवी? ए पोतानो पड़ातम एक उलखान थाय छे सत्संग थी। गुरुजीना ए पासे जईए
તેમના ચરણ પસાય કે છે એમની કૃપાથી એમના મેથી આશીર્વાદ સૌને આત્માની જાગૃતિ થાય તો એના માટેના આ જ ઉપાય છે શોધ કરી કે આપણે એમની પાસે જઈ અને કંઈક મેળવીએ અને આત્માને ઢંઢોળીએ આત્મા સૂઈ ગઈ છે એને જગવા માટેનો પ્રયત્ન કરીશું તો સત્સંગ ચર્ચા વાણી મંથન મનન ગુરુજીના કહેલા વાક્યો વચનો અને એ પ્રમાણે આપણે જો મંથન કરીશું મનન કરીશું સ્મરણ કરીશું તો અવશ્ય આત્મા જાગૃત થશે અને અખંડ સુખ મોક્ષનો સુખ મુક્તિનો સુખ અવશ્ય મળશે અહીંનું પણ મળે ત્યાંનો પણ મળે બોલે શ્રી પ્રાણનાથ પ્રેરી કીએ આપ સૌને પ્રણામ છે સૌનું કલ્યાણ જો પ્રણામ